Welcome back to my channel Techgrapher. So guys, after the installation of the iOS 17.2.1, बहुत यूजर्स को जो है बैटरी में बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जो बैटरी ड्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर वे में हो रहा है. जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है अपना iPhone 15 Plus, इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बैटरी स्टैटिस्टिक दिखाता हूँ. सो गाइस इसमें आप देख सकते हैं कि स्क्रीन ऑन टाइम जो है ऑन एन एवरेज मुझे 6 से 7 घंटा देता है. हालाँकि ये जो iPhone 15 Plus है इसमें सबसे मैसिव बैटरी दिया गया है एमंग एनी आईफोन एंड स्टिल विद द 80% चार्ज. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स मुझे यहाँ पर लगभग 7 से 8 घंटे मिल रहा है. और यहाँ पर जो 12 घंटे आपको स्क्रीन ऑन टाइम दिखा रहा है यहाँ पर मैंने 2 बार फ़ोन को चार्ज किया था, लेकिन सिंगल यूज़र में आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम यहाँ पर जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो दिया जा रहा है. यानी ये प्रॉब्लम सिर्फ आईफोन 15 या फिर 15 सीरीज़ के साथ ही नहीं, आपको आईफोन 13, 14, आईफोन 12 एंड आईफोन 11 के लिए भी देखने को मिल रहा है. सो कंसीडरिंग दिस फैक्ट मैं आज आपको बताऊंगा एक कॉन्क्रीट वे कैसे आप अपने जो आईफोन के बैटरी है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्क्रीन टाइम मिले. सो वीडियो को देखते रहिए टू गेट द बेटर आईफोन बैटरी बैकअप. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस कुछ सेटिंग्स है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जिनको आपको टर्न ऑफ कर देना है कम्प्लीटली. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो लोकेशन सर्विस है, अगर आप बहुत ज़्यादा लोकेशन सर्विस यूज़ करते हो सो नीचे अगर जाएंगे तो सिस्टम सर्विस मिलेगा एंड इसको भी स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट लोकेशन का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है. इस सिग्निफिकेंट लोकेशन को आपको टर्न ऑफ कर देना है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में आपको रिकॉर्ड रखता है कि कितना टाइम तक आपका फ़ोन कहाँ कहाँ गया था. सो इसको आपको सिंपली जस्ट टर्न ऑफ दिस सेटिंग्स एंड देन आपको बैक आना है. एंड तीनों जो यहाँ पर जो ऑप्शन है आईफोन एनालिटिक्स, रूटिंग एंड ट्रैफिक, इंप्रूव मैप्स, तीनों का आपको सिंपली जस्ट ऑफ कर देना है. सो जो लोकेशन है इसमें आपको ये चीज़ करना है. नेक्स्ट आपको बैक आना है, देन आपको जाना है ट्रैकिंग में. जितने भी आप पर जो अलाउज ऐप टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक इसको आपको सिंपली ऑफ कर देना है. तो ये सेकेंड मेथड हो गया. थर्ड आपको नीचे आना है, जितने भी जनरल सेशन है आपको पता है कि जनरल सेशन है वो अगर ऑन रहता है बाय चांस तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो आपको कुछ इस टाइप का जो लेआउट है वो दिखाएगा. तो सिंपली आपको टर्न ऑफ ऑल पे यहाँ पर टैप कर देना है क्योंकि जनरल सेशन में आपका बैकग्राउंड में बैटरी बहुत ज़्यादा खाता है. तो जस्ट टर्न ऑफ दी जनरल सेशन. नेक्स्ट आपको नीचे की तरफ आ जाना है और आपको जाना है ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट में. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फालतू का जो ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट आता है कोई पढ़ता नहीं है. अगर आप पढ़ते हो तो ओके नो प्रॉब्लम, बट मेरे केस में क्या है कि मैं इतना ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ और हालाँकि इसमें जो बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा खाता है. तो इसको जस्ट सिंपली आपको टर्न ऑफ जो ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट है इसको आप कर लेना है. सो ये 4 सेटिंग आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस आप जो भी यहाँ पर जैसे डार्क मोड हो गया उसके बाद जो स्क्रीन ऑन टाइम वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है जो कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले में मिलेगा. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो लॉक में आपको हमेशा जो है 30 सेकेंड पर रखना है, कभी भी 1, 2, 3 ऐसे करके जो मिनट से उसमें नहीं रखना है. 30 सेकेंड कर दीजिएगा, कम जितना होगा उतना ज़्यादा आपका बैटरी बैकअप लगेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस या फिर जो भी बेसलाइन आईफोन है उसके अलावा अगर आप कोई प्रो वर्जन ऑफ आईफोन रहता है, फॉर एग्जांपल आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स या फिर 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, उसमें क्या है कि AOD यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन रहता है. सो मेक श्योर कि जो भी आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप यूज़ कर रहे हो उसमें जो है वॉलपेपर का जो ऑप्शन रहता है उसको आप टर्न ऑफ कर दें. सो मैंने जितने भी यहाँ पर जो ट्रिक्स दिखाए अगर आप इसके यूज़ करते हो तो होपफुली आपका जो आईफोन का जो बैटरी बैकअप का प्रॉब्लम है ये आपको उतना नहीं होगा जितना पहले होता था. बट यस ये तो है दिक्कत है कि आईफोन का जो iOS 17.2.1 अपडेट आने के बाद बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा गिर गया है. एंड इसमें और एक अपडेट है जो आपको iOS 17.2.1 का अपडेट आया था जो जापानीज वर्जन के लिए, उसमें स्पेसिफिकली बैटरी को लेके एक अपडेट पुश किया गया था. सो लेट मी शो यू द अपडेट. सो दिस इज़ द अपडेट एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो गाइस यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि बैटरी का जो ड्रेन इशू है इस चीज़ को फिक्स किया गया है विद द अपडेट ऑफ iOS 17.2.1. एंड लेकिन यही कि इंडिया के लिए ये जो अपडेट था ये सिंपली एक बग फिक्सेस एंड यहाँ पर नॉर्मल जो सिक्योरिटी का इशू होता है उस चीज़ के लिए अपडेट था, कोई बैटरी स्पेसिफिक नहीं था. एंड इसी के लिए यहाँ पर जो बैटरी में जो इशू आ रहा है, बैटरी का जो ड्रेन हो रहा है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है. लेकिन होपफुली जितने भी यहाँ पर मैंने ट्रिक्स बताया अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो कि हाउ यू कैन गेट योर मैक्सिमम बैटरी लाइफ इन द आईफोन. सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. सो मैं मिलता हूँ तब तक, गुड बाय एंड स्टे सेफ.